उठिया मैं जरा क्या बोल रही पाड़ा पाना से अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि गाय का घास कम हो गया जिसके द्वारा अभी इसको गाय को और अच्छी खाद डाली गई है जिससे गाय ज़्यादा दूध दे। तो फिर आपने देखा गाय के दूध लेने की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो गई है। आज गाय दूध कम दे रही है क्योंकि गाय नाराज़ हो गई है। रोज़ वीडियो बनती है तो गाय कहती है आज की वीडियो। तो आप देख रहे हैं कि गाय जो दूध देती है वो शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है और ये जो दूध है बिल्कुल देख रहे हो आप बिल्कुल सफ़ेद होता है और गाढ़ा होता है। शहरों के अंदर जो आप दूध लेते हैं वो दूध होता है कि उसके अंदर आधा पानी होता है और वो गाय चरती क्या, वो गाय गंदे नालों में टट्टी वगैरह चरती है। ये जो गाय हैं पहाड़ों की गाय जो होती हैं वो जड़ी बूटियाँ चरती हैं कि ये गंदगी नहीं खाती, ये बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ गाय होती हैं। शहरों में मैंने देखा गाय को छोड़ देते हैं ना तो उसके लिए घास है, वो रोटी खाती है, आदमी की तरह लैट्रिन करती है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि गाय से दूध कैसे लिया जाता है, गाय धोने दूधने या की प्रक्रिया को आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आप लाइव देख रहे हैं, हो सकता है आज गाय का दूध लेने वाले को बैठकर ज़्यादा टाइम लगे, तो ये आज पूरी प्रक्रिया आपके सामने व्यक्त की जा रही है। इससे कमर में भी दर्द हो जाती है बैठते बैठते, क्योंकि अभी जो लोग रेगुलर दूध लेते हैं उनके कमर में दर्द नहीं होता, ये कभी कभार लेने वाले हैं। हम मेरा टाइम था तो हम मैं 4 किलो भी दूध लेता था भैंस से, 6 किलो दूध देती थी हमारी भैंस, और भी दो टाइम का 8 किलो हो गया। ये जो गाय आप देख रहे हैं इसका नाम शुंदलू है। गाय जो है आधे से ज़्यादा दूध को रोक भी देती है, ये अपने तनों के अंदर सेव कर लेते हैं। गाय के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है कि वो उससे कभी भी आप पूरा दूध नहीं ले सकते, और जब आप चाहोगे जब गाय की इच्छा होती है वो तभी दूध देती है, नहीं तो दूध नहीं देती। और अगर आप मशीन के द्वारा दूध लेते हो तो मशीन पूरे ही दूध को निकाल देती है, प्लस मशीन से दूध के साथ खून भी आ जाता है बाहर, कि जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता, इसलिए हमें मशीन वाला दूध कभी नहीं पीना चाहिए और हमेशा हमें प्राकृतिक चीज़ें ही, प्राकृतिक दूध ही पीना चाहिए जो कुदरती हो। जैसे हमने ये गाय पाल रखी है, हमारे पास ये 4 गायें हैं, ये चारों दूध देती हैं। तो 2-3 क्विंटल तो ये घास खा जाती हैं, 4 क्विंटल